हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में हम पैटर्न प्रिंट कराना सीखेंगे। तो पैटर्न तो हम पहले भी प्रिंट करा चुके हैं, लेकिन आज की खास बात यह है कि यूजर की मदद से पैटर्न प्रिंट कराएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल बनाता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये लिख लिया हेडर फाइल, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्टली हमें क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है। तो ये मेन फंक्शन बना लिया हमने और यहां पर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहां पर क्या करना है, हमें इंट टाइप का डेटा टाइप लेना है, ठीक है। एक वेरिएबल आई बनाया, एक वेरिएबल जे बनाया और फिर एक वेरिएबल आर यानी कि रो के लिए एक वेरिएबल बना लिया हमने। अब यहां पर दिखता हूं प्रिंट एफ, ठीक है। तो ये लिख लिया प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में यहां पर क्या देंगे हम, एंटर। यूजर को स्क्रीन पर यही दिखाई पड़ेगा, एंटर द नंबर ऑफ रोज, आर ओ डब्ल्यू एस। तो एंटर द नंबर ऑफ रोज लिख लिया हमने और फिर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्कैन एफ की बात करेंगे, क्योंकि यूजर से इनपुट कराना है तो इसीलिए स्कैन एफ भी लिखना ही पड़ेगा हमें। तो ये स्कैन एफ लिख लिया हमने और यहाँ पे देंगे परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी ही होता है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ आर कर देंगे, ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। अब यहां पर आएंगे तो लूप लगाना है, तो यहाँ पे फॉर लूप लगाया हमने। आई की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे कहां से, आर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर में जो वैल्यू दी जाएगी वहीं से आई की वैल्यू स्टार्ट होगी और आई इज, अब देखिए यहाँ पे इसको टर्मिनेट करने के बाद आई इज लेस देन करते थे हमेशा, लेकिन इस बार ग्रेटर देन और इक्वल टू करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। अब यहां पर उस स्टाइल की इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट करूंगा, यहां पे माइनस माइनस आई कर दूंगा, ठीक है, माइनस माइनस पहले लगाया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आएंगे एक लूप और लगाएंगे और इसमें जे इज इक्वल टू वन, यानी जे में इनिशियलाइज कर दिया वन और जे इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू, पिछली बार ग्रेटर देन इक्वल टू किया था, इस बार लेस देन इक्वल टू कर रहा हूं और ये कर देंगे, ले कर देंगे, क्या करेंगे आई, ठीक है। और आई करने के बाद यहां पर प्लस प्लस जे करेंगे, यानी इंक्रीमेंट की वही वाली स्टाइल। और यहां पर लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना ली हमने, यहां पे देंगे प्रिंट एफ, प्रिंट क्या करवाना है वो चीज। और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पे देंगे परसेंट डी, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, इसलिए परसेंट डी ही देना पड़ेगा। और फिर यहां पर जे को प्रिंट करवाएंगे, तो ये जे को हमने करवा दिया प्रिंट, ठीक है। और जे को प्रिंट करवाने के बाद इसे टर्मिनेट कर देंगे और हम ये चाहते हैं कि ये जो है लाइन भी चेंज होती रहे, तो इसके लिए यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हमने और यहाँ पे दे देंगे बैक स्लैश एन, ठीक है। और इसे टर्मिनेट करके फिर इसको क्लोज करेंगे और फिर एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा सारे ब्रैकेट्स हो गए क्लोज। और फिर फाइल में जा करके, फिर सेव फाइल पे जा करके और फिर इसको सेव भी करना होगा, तो यहाँ पर किसी भी नाम से डॉट सी लगा करके इसको कर देंगे सेव, ठीक है। तो ये सेव कर दिया हमने, देख सकते हैं आप। और फिर बिल्ड पे जाएंगे और फिर कंपाइल पे जाएंगे, तो ये फाइल हमारी प्रोग्राम जो है कंपाइल भी हो जाएगा और फिर जब रन करवाना होगा तो यहां से जाके इसको रन करवा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। ऊपर लिखा हुआ आया है एंटर द नंबर ऑफ रोज, अगर मान लीजिए हमें 5 रोज एंटर करने हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 रोज का पैटर्न प्रिंट होकर आ रहा है। चलिए इसी प्रोग्राम को दोबारा से एक बार और रन करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे मतलब यूजर की मदद से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी हमने 5 एंटर करा था, अब मान लीजिए यहाँ पे एंटर करता हूँ 7, तो यहाँ पे देखिए 7 रोज का पैटर्न प्रिंट हो रहा है। फिर एक बार इसको रन करते हैं यहाँ से और इस बार देखते हैं क्या होता है। तो इस बार देखिए यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे मैं करता हूँ 12, तो यहाँ पे देखिए 12 रोज का पैटर्न प्रिंट होकर आ रहा है। तो यूजर की मदद से भी बड़ी ही आसानी के साथ आप पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।